यह है फेरारी 488 चैलेंज ईवो। बेसिकली ये एक रेसिंग कार है और ये बेस्ड है 488 GTB पे। तो उन्होंने इसको रेसिंग कार बनाने के लिए काफ़ी कुछ चेंजेस किए हैं। फ्रंट बिल्कुल चेंज कर दिया है, ये कार्बन फाइबर के पार्ट्स लगा दिए हैं, ग्रिल बड़ी कर दी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाए। फिर बोनेट में यहाँ पे जो है वो हवा निकलने की जगह दी है, जो आगे से अंदर जाती है, इस वो आगे से हवा अंदर जाती है और यहाँ से निकलती है, वो इसलिए ताकि गाड़ी जो एरोडायनेमिक रहे, प्लस उससे जो गाड़ी की हैंडलिंग भी बेहतर रहती है। तो रेसिंग कार्स ऐसी जो हैं वो ज़्यादा रोड लीगल नहीं होती हैं, वो सिर्फ रेस ट्रैक के ही पास मिलेंगी आपको, तो स्पेशल इवेंट्स में या कहीं ख़ास जगह पे ही आपको मिलेंगी। व्हील देखिए, उसमें नट्स जो है वो सिर्फ एक ही है ताकि रेसिंग के दौरान आराम से आप जल्दी से व्हील चेंज कर सकें। प्लस आईने के नीचे भी इन्होंने छोटा सा विंग दिया हुआ है, और सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बहुत ही बड़ा सा स्पॉइलर विंग लगाया हुआ है, बहुत ही फुली एडजस्टेबल स्पॉइलर विंग है ये। इसमें जगह जगह जो है वो आप गौर से देखें तो इसमें स्क्रूज़ की जगह तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी हाइट एंगल जो भी आपको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स हैं आगे किस्से की और पीछे किस्से की, प्लस यहाँ से भी आप जो है वो इसके जो पिलर हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की हैंडलिंग चाहिए गाड़ी पर। तो सर ये विंग और ये बाकी सब चीज़ें ये गाड़ी की एरोडायनामिक्स से बहुत असर करती हैं, और एरोडायनामिक्स से ही गाड़ी जो वो या तो रेस जीत सकती है या हार सकती है। तो एरोडायनामिक्स गाड़ियों के लिए बहुत बहुत अहम होता है। प्लस यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल टाइप का गेट बनाया हुआ है वो पेट्रोल डालने के लिए, नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं है। इंटीरियर में भी आप देखें तो बिल्कुल डिफरेंट है, स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल डिफरेंट है, बटन्स नॉब्स सब कुछ सब चेंज कर दिया है इसमें। अब ज़ाहिर सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है जो नॉर्मल फरारी में आपको मिलेंगी, जैसे एयर कंडीशनिंग हो गई, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, वो सब हटा दिया। सिर्फ ये एक रेसिंग कार है तो सिर्फ और सिर्फ चलने के लिए और दौड़ने के लिए बनी है ये। तो पहली बार मैं इस तरह से ये गाड़ी देख रहा हूँ, 488 चैलेंज ही वो सोचा आप लोग को दिखाऊँ, पता नहीं आइंदा कभी देखने को मौका मिले ना मिले। प्लस इसी शोरूम में जहाँ पर मैं आया हुआ हूँ, इसका नाम है फर्स्ट मोटर्स, इसी इनके पास एक पोर्श की 911 GT2 RS क्लब स्पोर्ट है। जी हाँ, ये भी एक रेसिंग कार है और ये 911 GT2 RS पे बेस्ड है। ये दुनिया में सिर्फ 200 हैं, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी है। तो इसमें जो इंजन है वो है 4000 CC का इंजन, 6 सिलेंडर इंजन है, और वो बनाता है 700 हॉर्स पावर। जो फरारी है वो है 3900 CC ट्विन टर्बो V8 इंजन, वो बनाती है 670 हॉर्स पावर। तो डिज़ाइन वाइज तो मुझे फरारी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा हाइट पर भी कम है, ज़्यादा चौड़ी है भी है। पोस्ट में ये है कि वो दिखने में बहुत ज़बरदस्त है मगर उसमें पावर ज़्यादा है। तो कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी आपको, ये फरारी या वो पोर्श? तो इसी तरह अगर आपको और वीडियोस देखनी है फरारीज की, तो मैं लिंक्स में उनकी सारी लिंक्स जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और बाकी और जो वीडियोस अगर आपको देखनी किसी और गाड़ी की, जैसे पीछे यहाँ पे रोल्स रॉयस खड़ी हुई है, 2-3 मर्सिडीज़ खड़ी हुई हैं, उन सब की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी।